अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज जनाब छुट्टी है, इतवार का दिन है, दिन के 12:30 बज चुके हैं, क्योंकि अब तो एक ही हो गया। अभी इरादा बना जी फॉर्म जाने का, क्योंकि ऐसे करते हैं पहले चलते हैं ऑफिस में, वहाँ से अखबार लेके फिर फॉर्म देते हैं। मैनेजर फिर साहब की बदरू जनाब, वो मुझे देने घर से बाइक पे आ रही है। बदरू आ गई, चलो बदरू के साथ सफर शुरू हो गया। चले जी अखबार लेके यहाँ से फरार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खरीदे थे शेख साहब? बैठे हैं ना अखबार तो फटाए जा रहे हैं। देखिए जी सर, छोड़ो शेख साहब और वाले साहब जनाब पेशावर जा रहे हैं शादी पे। यहाँ पे तो जनाब आज खामोशी, जैन जो है ना आज छुट्टी पे नहीं। मैनेजर साहब जनाब बाइक पे शिफ्ट हो गए, आज कोई गेस्ट भी आ रहे हैं जी फॉर्म पे। लूसन की भी दो गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, एक ये खड़ी है, एक अंदर घुस गई है। बट साहब बैठे हुए सामने, आज तो उन्होंने देख ही लिया जी खुद भी। ये देखें दरवाजा खुल गया, एक गाड़ी ये खड़ी है। अब हम गाड़ी आगे कैसे लेके जाएंगे, इधर तो काम बड़ा ख़राब है। चलिए बड़ी गाड़ियाँ गुजर ही जाती हैं, मुझे उम्मीद है गुजर ही जाएगी। ओके, मैंने तो फैसला ये किया है कि बट साहब से कहा है कि थोड़ा रेत को ठीक कर दें, ये ना गाड़ी कहीं स्लिप हो गई ट्राले के साथ टकरा दे। आज तो मुस्तफ़ा साहब गट्ठे उतारने का काम कर रहे हैं जी, ड्राइवर बने हुए हैं। बट साहब रेत को ठिकाने लगा रहे हैं जी। मुस्तफ़ा साहब तो रिवर्स से अंदर घुस गए हैं। अपने वाला मोबाइल अब थोड़ा पुराना हो गया ना जी, तो बैटरी हेल्थ इसकी ना काफ़ी डाउन हो गई है, चार्जिंग जल्दी ख़त्म हो जाती। तो ये एक चार्जर मंगवाया जी, वीवी लिखा हुआ है ऊपर, सुपर सुना तो है ही, अच्छा चार्जर है, लाहौर से मंगवाया है। तो काफ़ी हैवी और बड़े साइज़ का, लेकिन सुना है कि ये काफ़ी ज़्यादा मोबाइल चार्ज कर सकता है। और ये आया कितने का ये कोई पता नहीं, कि जिसने भेजा अभी तक उसने कीमत ही नहीं बताई। इसीलिए तो मैं किसी जानने वाले से कुछ काम नहीं कहता ना, बाज़ का फिर वो लोग ना कहते हैं ये बनाने तो पैसे ना दें। तो ये मैंने ज़िंदगी में किया नहीं इस तरह का काम कभी। बहरहाल आज दोबारा पूछते हैं उनसे, अगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया तो 3-4 हज़ार भेज देंगे, इतने का तो हो गई उम्मीद है। 4x4 करने का ये फ़ायदा होता है, लेकिन ये 4x4 किया तो गाड़ी आराम से ना उधर से निकल आई है। 2x2 पे ना इसने फंस जाना था, रेत की काफ़ी मोटी तय थी वहाँ पे। किस टाइम दी लानी शुरू की थी? 9 बजे ला, हूँ डेढ़ हो गया ना, 2 चले 5 घंटे किनिया लाइया ने? 28 60 होनी है ना, अद्धी लै गई 5 घंटे स्पीड स्लो है ना, फिर वो तो कल ही लवे दी दूजी।
फिर महीना लगे था तो बदल भी बने ने। बदल भी कह रहे कल परसों शुरू हो रहे सत असि फिर बाहर निकल जाने लूसन इतने ला लो इना लूसन कितने लाना है जगह भी तो बनानी है। चलो लगे रहो लाई जाए यह भी हो सकता कि इनू ए गठा ला के ना मशीन ओदिया गठा सट लो वो गड्डी टुट जाए बाई तुम चुकते रहो बजाय कि उन्होंने बन लो एवं बेचारे और राती ओदिया गठा सट के उन्होंने भेज छोड़ो के ख्याल मशवरा दे देना मुस्तफा साहब ने सारे पुठे मशवरे थोड़े को चलें जी मुस्तफा साहब की ड्राइवरी चेक करते हैं टायर नू पा लगे मुस्तफा साहब को स्पीड बेहतर हुई है कोई नहीं इस काम दे भी स्पीड ही काउंट कर ली चुप लो सुन जी कोई नहीं यार चलो आ गई मुस्तफा साहब एक लेके जा रहे हो दूसरी सर जी आवाज करन लग पैंदा लोर उत्ते जदों टॉप ते रखदे ना छेवीं गट लोर लांदा ते आवाज करदा नुकसान ना हो जावे इस वास्ते पंजवीं तो छेवीं गट नहीं लाई ते जेडी हेठा रखदे ओ दो दो लै जाओ इत्थों दो दो थल्ले रखण दा कोई नहीं मसला चलो ए ए हुण उत्ते आणी जी ए ते हुण उत्ते ही लानी है चलो फिर लै जाओ एडे पिछे जगह खाली सी उत्थे लगा दित्तियां ने असीं खाली चुक के उत्ते रखी आ मुस्तफा साहब जी पिछे खाली जगह सी पिछे उथे लाइया ने कोई ना जिथे तक छोटिया छोटिया आ जाए सर मैं प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ ना तो वो फिर स्पीड से काम हो जाता है ये जरा ना चक चक के काम कर रहे हैं कि स्लो हो रहा काम छोटिया गठा के उत्ते रख दिता जी क्यों जगह मुस्तफा साहब तो गठे उतार रहे हैं जी हम जरा जानवरों को चेक कर लेते हैं क्योंकि 2 बजे तक मेहमानों ने भी आना है बकरा जा जनाब खान पीन में मशहूर बकरों की जगह काम हो गई है ना
लेकिन ठीक है इतनी कम नहीं है। वो जो बीमार बकरी की जगह वो भी ख़त्म कर देनी है ना, वो भी ऐड हो जाएगी इनमें। नीचे मारी जा रहे हैं, इनमें दो चार बकरे ना हर वक्त वो डिस्टर्ब भी करते रहते हैं। ये एक बकरा मुझे ना लग रहा है डिस्टर्ब, पेड़ बीच में घुसा हुआ है और सर लटकाया हुआ है ना, और टांगों पे भी डायरिया के लमाज ज़्यादा तो नहीं शो हो रही, डायरिया शायद ना हो लेकिन डिस्टर्ब लग रहा है। चलें, जो वेटरनरी असिस्टेंट है उन्हें कहते हैं चेक करें ज़रा इसे। अब चेक करते हैं जी एक बार लार्वे, बकरी की सूरत हाल ये है जी, वासियाँ मार रहे हैं इसने होना तो जब भाई है जब भी हुआ, क्योंकि ब्रीडिंग के काबिल तो रहा नहीं। अच्छा जी, मक्खियों के लिए लाइटें लगी हैं, लाइटें इन्होंने ना सही नहीं लगाई, ये बल्ब है, इनको ऐसी लाइट चाहिए जो पूरी फैल के नीचे जाए। बड़ा कुछ मक्खियाँ नीचे मुर्दा पड़ी हुई हैं, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ तो इन्हें लाइट पूरी मिली नहीं और ये अंडे देने से पहले ही मर गए, इनकी जो तबीयत उम्र है वो पूरी हो गई, या फिर ये अंडे दे के मरी, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। बहरहाल देखें क्या बनता है। ये देखना, ये मक्खी बैठ के इधर ये किस पे ना अंडे दे रही है, मक्खियाँ रोशनी ऊपर है नीचे नहीं आई तो सारी मक्खियाँ देखा ऊपर आके बैठ गई हैं रोशनी के पास, बल्कि बल्ब के ऊपर चढ़ के बैठ गई। रोशनी अगर बराबर नीचे जा रही होती ना तो मक्खियों ने फिर फैल के रहना था हर तरफ, तो इसलिए इन बल्ब लग तो गए हैं, शायद काम भी किसी हद तक चल जाएगा लेकिन मज़ा नहीं आया। ये देखे ना मक्खियाँ ऊपर बल्ब के पास आ गए, बल्ब के पास आके मक्खियाँ मेटिंग कर रही हैं, जो नीचे वाली हैं वो डारमेंट है। ये जोड़ा ना ये बड़ा ड्यूटीफुल है आपस में भी इनका तनाजा रहता है वो कुत्ता के जा रहे हैं, ये इसको ये रिस्पांस कर रहे हैं। ये चेक करें ना जनाब, शाम मुलक शाम बागी फिर कब्जा कर रहे हैं वहाँ पर, 2011 में शायद ये खाना जंगी शुरू हुई थी। फ्लोर रूम की सेकंड है, आज तो जनाब सीट पे फिदान बैठा है। ले जी हमारा इधर फिदान कह रहा जी बिलिंग सिस्टम एक्टिव ओके हो गया, ये हमारा बिल है, सारे बिल जो कंप्यूटराइज बनना शुरू हो गया। ये सर हमारा गेट पास है, ये देखें जी पेमेंट वाउचर होगा हमारा, कोई भी पेमेंट हमने किसी को की है। अच्छा, वो पेमेंट रिसीप्ट जो हमारे वेल्डिंग वाले जी, ठीक है चलो अच्छी बात है, चीज़ें सारी ऑनलाइन ही करनी है आस्ता आस्ता, काउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आपके लिए फाइनल कर रहे हैं जी। मेहमानों के लिए जनाब दस्तरखान लग रहा है, उनकी भी सारा स्टोर में जा रहा है जी। ठीक हो जनाब,
ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਏ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਕੀ ਕੜਾਈ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕੜਾਈ ये स्टीम रोस्ट पता रोस्ट की भी है पता ये रैपिड कढ़ाई और इसमें चावल रखे हुए सैलड है अदनान साहब सारे ग्रैंड सर्विस का काम कर दिया खीर है उधर ये देख सारी कुकिंग होती कर ली ये इधर अब पुलाव भी तैयार हो रहा है जानवर ने वो बकरे सारे चेक कर लेने कोई बकरा ना डिस्टर्ब हो गए एक है ना डायरिया बड़ा बकरा है ट्रीटमेंट होगी चलो ठीक सुबह तो शाम सारे वाड़ियाँ के बीच जाके ठीक है ना एक रूटीन रखें अगर कोई जानवर डिस्टर्ब है तो फिर सुबह दोपहर शाम ठीक है जिस दिन डिस्टर्ब ना हो सुबह शाम वैसे जो रोज भी त्रै टाइम टूट जो तैयार है कोई हां नहीं नहीं उधर तो वैसे ही हर टाइम सेट ही रहता है हां बस ठीक डॉक्टर साहब कब आ रहे हैं डॉक्टर साहब भी जाके 3 बजे तक 3 तारीख तक बकरी आहार का जनाब सुबह हो गई है वो जो माड़कड़ो बकरी थी ना खान का मसला था जिसका कलिंग कर दी आहार कर कौन आज चुकना नहीं ना चुकनी नहीं है हिलनी नहीं ना दो बंदे वो कल्ला बंदा कर लेगा बस काम ही मैनेजर साहब एक मशवरा ले लो सियाने बयाने आदमी किसे दौर च रहे ने एक ना ऐना को सारा लोहे दा पीस आया जेड़ा एंगल जिया बनया आ चंगा भारा लोहे दा ट्रैक्टर दे अगे जेड़ा लगया हुंदा आ याद ही जान ओ जेड़े राड लगदे ने ट्रैक्टर दे ओ इक राड पे आ ओ ओदे बशकार वाले पासे लाओ इको बंदा ला के ओनू एंड करना दे ने पासा मार जाना दोवे अद्दो अद्द जोर लांदे ओदी लंबाई ज्यादा है ओ चलदा नहीं आ अपना पासा वज मैं साहब राड फड़ो गे रहे वो काम करना पाया मैनेजर नहीं हूँ फरार होने का सोच रहे लाहर हो गई पता चला जी एक बकरी को और एक बकरे को डायरिया जी खरगोशों की अपडेट तो उसी आफ्ताब से मिलेगी आफ्ताब गाड़ी उतारने में मशरूफ़ है बोड़ा जी कह रहे थे कि बकरी मुझे दे दे मैंने दूध इसका निकालना है छोटी बच्ची मेरी है तो उसको मैंने कहा इधर से आके निकाल के ले जाया करें वैसे संभालना बकरियों को मुश्किल हो जाता है ना यहाँ पर ठीक है जब तक जिंदा है गमे इश्क के मारे यहाँ पर ठीक है बच्चों में डायरी की सूरत हाल पता नहीं अब क्या है बहरहाल इधर सारे धूप में बैठे हुए आगे ये अच्छा काम हो गया है जो ये धूप में आ गया ना अब उम्मीद है कि रात को ये सर्वाइव आसानी से कर जाएंगे मौसम भी आजकल साफ ही है जब धुंध पड़ना शुरू होती है ना फिर मसले ज़्यादा आते हैं बच्चों में सर्दी के ना अगर बारिश होगी ना फिर तो बकायदा सर्दी शुरू हो जानी है ये गठ जनाब मिट्टी वाली आ गई इस जो नीचे पड़ी होती है ना उन पर मिट्टी आ जाती है मुस्तफा ये गिली तो नहीं है यह तो खुश क्या इनू सारे ना उत्ते रख दो उल्टा करके हाँ उत्ते रख दो ठीक खाना लगवाई की रस्म जारी है जी जी फिर किन्ना अद्धा किलो है ज्यादा किलो बस ठीक रोज एक टाइम आ गया ना कर लिया करो 6:30 बज गए जी शाम के
एक गाड़ी लो अनलोड हो गई, दूसरी अब अनलोड करने की तैयारी कर रहे हैं। मेहमान चले गए, मैनेजर मरूम साहब की बदरू इधर ही घूम रही है जी। चलें जी, गुड नाइट। बिलाल जी गीत तो निकल गया। ये देखिए इसमें आ गया।